दरियाए चनाब का सारा पानी उस तरफ रोक लिया गया है, वो मैं बताता हूँ। और ये देखें ये स्टेप बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ए केड़ी नहर है? रंगपुर खोला हुए। और ये सारा आप देख रहे हैं, तो ये वाले दर खुले हैं जी। पहले हम उस तरफ थे, अब हम इस तरफ हैं जी। एक ये है जी, ये उससे बड़ी नहर है, वो सामने से निकल रही है, देख रहे हैं आप। ये 18,000 की तरफ से हम हेड त्रिमू की तरफ जा रहे हैं। तो आप मेरे लेफ्ट पे देख रहे हैं ये बंद बना हुआ है। वेलकम टू त्रिमू ब्राज। ये जी हम हेड त्रिमू आ गए हैं और आपको अभी यहाँ से हम दिखाते हैं जी। ये हेड त्रिमू से निकलने वाली नहर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तो ये जी मैं इस वक्त हेड त्रिमू में हूँ। मैंने पीछे आपको बोर्ड दिखाया था, वो पीछे बोर्ड लगा हुआ है हेड त्रिमू का। मैं आ रहा हूँ 18,000 वाली तरफ से, जंग वाली तरफ से नहीं आ रहा। दरियाए चनाब के ऊपर तीसरा हेड है, पहले मराला आता है, फिर हेड कादराबाद और फिर हेड त्रिमू। और अब इसकी मज़ीद तफसीलात जो है वो मैं भी आपको साथ साथ बताऊंगा। ये मैं बिल्कुल जहाँ से ये आप देखें, ये आप देख रहे हैं दरियाए चनाब का सारा पानी उस तरफ रोक लिया गया है, वो मैं बताता हूँ। और ये देखें ये स्टेप बने हुए हैं और आगे बिल्कुल दरिया खाली है। ये सामने कश्तियाँ हैं और वो आदमी मछली वगैरह पकड़ रहे हैं। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। ये इधर भी एक छोटा सा ना, पता नहीं इन्होंने क्या बनाया हुआ है, इसमें शायद कोई मापने के लिए पानी को ना इस तरफ निकालते हैं। और ये देखें ऊपर नीचे से सारा ना, ये आप देख रहे हैं। अब इसकी यहाँ पे कोई चीज़ तो ऐसी नहीं जो मैं पढ़ सकूँ, मगर ये वो कोई बिजली के साथ गेज सिस्टम है, ये साथ और साथ वो मीटर बनाया हुआ है मैनुअल। और नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, कहाँ तक जा रही हैं मुझे नहीं अंदाज़ा। तो चलें इसकी हाइट नापने के लिए, तो ये उस तरफ मैं जाने लगा हूँ। ये एक नहर तो ये इस तरफ से गुज़र रही है जिधर से मैं इंटर हो रहा हूँ हेड, ये जो 18,000 वाली साइट है। तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये पूरे स्टेप बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ए केड़ी नहर है? रंगपुर। ये देखें जी, ये दरिया के अंदर से इस नहर का नाम ये भाई बता रहे हैं रंगपुर है। और वो सामने इसका बोर्ड है, अभी मैं आपको ऊपर से सारी डिटेल दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, ये एक ही गेट इन्होंने खोला हुआ है। और ये सारा आप देख रहे हैं, एक उस तरफ से नहर निकल रही है और ये सारा दरिया चनाब है। और ये पानी ये हाइट देखें, ये पानी यहाँ तक है। ये दूसरी तरफ ये आप इसकी हाइट देख लें, ये कम से कम नीचे से ऊपर तक कोई तकरीबन 8-10 फीट हाइट पे उस तरफ वाला पानी और ये नीचे गिर रहा है। तो ये सारा रोका गया है और ये पूरा ऊपर बना हुआ है। जाने की तो परमिशन नहीं है, वरना मैं आपको ऊपर ले जा के दिखाता, मगर चलें ये तो आपको दिखा सकते हैं ना जी। ये इस तरफ वाली एक नहर है जी, ये ऊपर रास्ता बना हुआ है। जब वो मशीनरी वगैरह यूज़ करते हैं उसको चलाने के लिए, करने के लिए। और ये देखें ये इस साइड पे पूरा एक पॉइंट बनाया गया है।
यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये देखे पूरे दरियाए चनाब का एक व्यू, कोई उसकी सम्मति नहीं है। और वो सामने गेज लगी हुई है, अभी उस पर 40 राउंड बोट लिखा हुआ है जहाँ तक ये पानी है। तो ये आप देखें, ये सारा हेडवर्क्स, अब मैं आपको ऊपर पुल से और दूसरी साइड से दिखाता हूँ। बस ये चंद एक स्पिल वेज खुले हैं, बाकी बंद है। बोट उस तरफ है कि इस तरफ है? इस तरफ। पानी बड़ा है। चलें ये भाई बोट चलाते हैं, इंजन वाली बोट है, गाड़ी उधर आ जाती है, चलें करते हैं। और ये है जी इस तरफ जो, हाँ जी, रंगपुर के नाल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब त्रिमू हेड वर्क्स डिवीजन। तो ये इसकी पूरी लिखी हुई है जी, देख रहे हैं आप। और ये नहर जा रही है जी। तो चलें एक तो मैं पुल से आपको विजुअल दिखाता हूँ सारा। भी आदमी बता रहा था कि ये ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, वो सामने आप शायद देख रहे हो, ये 13 दर, यानी कि ये वाला और वो अगला, वहाँ तक ये हिस्सा नया बना है। पहले वहाँ तक था ये वाला हेडवर्क्स का बिराज, इस ये जो सामने दीवार आ रही है ना जी, इससे उस तरफ, इस तरफ जो थी वो बंद था। तो अब इन्होंने ये वाला जो हिस्सा है ना जी, ये नया बनाया है। और वो फिर नज़र भी आ रहा है इसकी साइडों से भी, सड़क की चौड़ाई से भी। और आगे आप देखेंगे तो आपको सामने से, हाँ जी ये देखें ना, ये आपको ये वाला हिस्सा नया बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इन्होंने फुटपाथ बना दिया, वरना मैं गाड़ी ले जाता। ये देखें राइट पे और लेफ्ट पे, ये इन्होंने एक अच्छी जगह बनाई हुई है, मगर यहाँ पे बैठने के लिए आपको मिल जाती है, मगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह कोई नहीं है। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गए, ये पुरानी ब्रिज आ गई और पुराना ये जो पूरा हेडवर्क सिस्टम आ गया। तो इसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है। अब लेफ्ट राइट दोनों से आपको, राइट वाले तो देखे ना, ये बिल्कुल मट्टी ऊपर आई हुई है, ये दर बंद है। और वो वहीं पे जो नया हिस्सा है उधर से ही खोल रहे हैं, इस तरफ तो खुला ही नहीं, सारा दरिया आगे से मट्टी से भरा हुआ है। और ये देखे पूरी की पूरी मेरे लेफ्ट पे आप देख रहे होंगे, तो वो अभी आप देख लेते हैं। यहाँ पानी है जी, और इंतहाई किनारे वाला दर और शुरू वाला दर देख रहे हैं जी बिल्कुल। अभी हम आपको सामने से दिखाते हैं। हाँ जी ये देख रहे हैं सामने उस तरफ, ये दो हैं जी, मेरा ख्याल है दो नहरें निकल रही हैं या एक है, ये अभी आगे जाके पता चलता है जी। और इस तरफ थोड़ा सा पानी निकाल रहे हैं। ये गाड़ी यहाँ रोकते हैं जी, आपको सारा दिखाते हैं। दो नहरें हैं जी, वो भी आपको दिखाते हैं। ओवर रेस्ट हाउस टाइप देख रहे हैं जी। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये बैठने के लिए, यहाँ पे उन्होंने वैसे लिखा हुआ है कि खबरदार इसकी कोई तस्वीर वगैरह ना उतारें, मगर हम तो लगे हुए हैं जी। ये वैसे ही जिस उस तरफ किया था वैसे ही इस तरफ है, मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं। बेटा इधर नहीं, ये बहुत गहरा है, आप गिर जाओगे। तो ये वाले दर खुले हैं जी, पहले हम उस तरफ थे अब हम इस तरफ हैं जी। तो चलें आपको दिखाते हैं जी, वैसे इन्होंने रोका होगा, मना किया होगा। ये इसके अंदर से नहरें गुजर रही हैं, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ममानत की है, मगर हम कोशिश करते हैं आगे जाके आपको दिखाते हैं। ये दो नहरें हैं जी, दो नहरें हैं, एक ये निकल रही है, ये आगे जा रही है जी। और ये राइट साइड पे काफ़ी खूबसूरत एरिया बना हुआ है। सामने
में इरीगेशन वालों का ही कुछ है सिस्टम, पार्क सा बनाया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है वैसे ये। एक नहर ये है जी जो हमने आपको पीछे से दिखाई है, और एक दूसरी तरफ है जी। एक ये है जी, ये उससे बड़ी नहर है, वो सामने से निकल रही है, देख रहे हैं आप। और ये साइड में ये इरिगेशन वालों का ही सारा सेटअप है जी, ये वाला इधर से भी रास्ता जा रहा है। चलें जी, मैंने कोशिश की आपको हेड त्रिमो का एक मुनासिब सा व्यू देने की। अब मैं उसमें किस हद तक कामयाब हुआ हूँ ये आपने अब अंदाज़ा मुझे देना है अपने कमेंट्स के थ्रू। तो मेरी गुजारिश है कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे अहबाब भी इसको देख सकें, और जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि हमने एक पैटर्न बदला हुआ है, तो शुक्रिया। तो कम से कम आप हमारे इस पैटर्न पे हमारी हौसला अफजाई करें, इंशाल्लाह करीब हम अपना जो शुमाली इलाका जात का टूर है वो शुरू करेंगे। तो ये सामने आप देख रहे हैं जी, खुदा हाफिज़ त्रिमो बराज, त्रिमो बराज खुदा हाफिज़। इन्होंने ये जो शॉप्स वगैरह हैं ना जी वहाँ नहीं रखी, हमारा प्रोग्राम था कि यहाँ से खाना खाएंगे और आगे फिर बढ़ेंगे, मगर यहाँ पे वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। तो बहरहाल इसी के साथ आप मुझे हेड त्रिमो से इजाज़त दें, आप अपना, अपने दोस्तों का, अजीज़ो कारब का, गिरदोनुआ के लोगों का ख्याल रखें, और आने वाले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।